हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट से क्या डिफरेंस आया होगा। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट में एक चीज की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, मतलब एक चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पर जा रही थी। अब यहाँ पे दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब दो चीजें एक ही टाइम पे अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें, यहाँ पे ये रिएक्शन है कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में, और आपको मिल भी क्या रहा है, कंपाउंड और कंपाउंड, बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे कंपाउंड में ए बी और सी डी, आप देख सकते हो ए आगे है बी पीछे, या सी आगे है डी पीछे, तो आपने प्रोडक्ट साइड में भी ए को आगे रखना है और डी को पीछे रखना है, क्योंकि ये जो कंपाउंड होंगे ना, इसमें ए पॉजिटिव आयन बी नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव आयन। तो कभी भी कंपाउंड के फॉर्मूला में एसिटेट को छोड़ के, मतलब CH3COO नेगेटिव ग्रुप को छोड़ के, बाकी जितने भी नेगेटिव ग्रुप होंगे वो हमेशा पीछे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन आगे, क्लोराइड का पीछे। अब सिर्फ ये पैटर्न चेंज होता है एसिटेट में, जहां पे नेगेटिव आयन पहले आता है और पॉजिटिव आयन बाद में आता है। बस इसके अलावा बाकी कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, आयंस का बना कंपाउंड होगा, हमेशा पॉजिटिव आयन आगे आएगा, नेगेटिव आयन पीछे आएगा। तो आपने पैटर्न को चेंज करते हुए, अब देखो ये एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इसका पैसेज चेक क्वेश्चन आ गया तो आपको जनरल फॉर्मूला के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। तो ए पॉजिटिव आयन है, बी नेगेटिव आयन है, सी पॉजिटिव आयन है, डी नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों आपने आपस के आयन एक्सचेंज कर देंगे। अब देखो डी के साथ सी था, डी क्या था, मुझे आप ए चेंज, डी ने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो ए डी बन गए। अभी भी पैटर्न कैसे है, ए पॉजिटिव आगे डी नेगेटिव पीछे, और सी पॉजिटिव आगे बी नेगेटिव पीछे। बच्चे गलती क्या कर देते, इसको लिख देंगे ए सी प्लस बी डी, गलत है। पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे बना सकते, नेगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते, या फिर इसको लिख देंगे डी ए प्लस बी सी। मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखो बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव, ये भी गलत है। तो आपने जनरल फॉर्मूला याद देखते टाइम बस एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पहले तो आयन एक्सचेंज होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आयन एक्सचेंज करेंगे, आपको मान लो या पॉजिटिव आयन चेंज होगा या नेगेटिव आयन चेंज होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हमेशा आगे रहेगा और नेगेटिव हमेशा पीछे रहेगा, पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे, एक्सेप्शन है केस ऑफ एसिड। अच्छा, अब ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है, वो दोनों प्रकार मैंने आपको करवा दी है। फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जब मैंने आपको प्रेसिपिटेट के बारे में बताया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा उस कंटेनर में, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है, इसीलिए भी इसको इनसॉल्युबल बोला जाता है। जितना मर्जी मिक्स करने की कोशिश करो वो कभी भी सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में नहीं रहेगा, हमेशा सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिएक्शन बिटवीन टू मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा आप देखो ध्यान से, प्रेसिपिटेट बनना कब होता है, जब भी कभी रिएक्शन होगी किसके बीच में, दो मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलवेज अकर बिटवीन टू मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब दो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे सो एज टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हिच विल सेटल डाउन एट द बॉटम। सर मैंने आपको इसकी एक्टिविटी करके दिखाई थी, शायद यही वाली एक्टिविटी करके दिखाई थी। मैंने यहाँ पे सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन तैयार करा, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार करा, जैसे ही इन दोनों सोल्यूशन को मैंने मिक्स करा, वहां पे इमीडिएटली बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और वो पूरा का पूरा सोल्यूशन क्लाउडी हो गया। जैसे जैसे बेरियम सल्फेट बनता गया, पूरा पूरा सोल्यूशन ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक क्लाउडी होता गया। तो बेरियम सल्फेट अगर आप उस सोल्यूशन को, मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद देखोगे, इमीडिएटली देखोगे तो वहां पे आपको एक क्लाउड दिखेगा, थोड़े टाइम के बाद बेरियम सल्फेट नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा एंड NaCl बीइंग अ सॉल्युबल सॉल्ट ये पानी में घुला हुआ रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। अगर आप इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, यहां पे आपको लेड आयोडाइड की एक येलो कलर की पीपीटी फॉर्म होते दिखेगी, आपका सॉल्यूशन एक येलो क्लाउड, आपका सॉल्यूशन एक येलो क्लाउड बनेगा, उसके बाद आपको सम टाइम येलो कलर की चीज नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, दैट इज लेड आयोडाइड। और पोटेशियम नाइट्रेट बीइंग अ सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहेगा, मतलब डिसॉल्व रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज करना मतलब एक दूसरे को नष्ट करना, एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे को ऐसे समझ सकते, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करना।
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेटा हमेशा एक एसिड और बेस के बीच में, और ये एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े इस बात का कि एसिड में ऐसा क्या खास होता है कि हम उसको एसिड बोलते हैं और बेस में ऐसा क्या खास होता है कि हम उसको बेस बोलते हैं। देखो एक एसिड एसिड है क्योंकि उसके अंदर एच पॉजिटिव आयन है, वो वाटर में जाके एच पॉजिटिव आयन दे सकता है, और एक बेस बेस है क्योंकि उसके पास OH नेगेटिव आयन है। अच्छा अगर मैं किसी एसिड से उसके एच पॉजिटिव आयन ले लूं और किसी बेस से उसके OH नेगेटिव आयन ले लूं तो वो ना एसिड एसिड रहा ना वो बेस बेस रहा, तो बेसिकली हुआ क्या, अब ये होता ना कि एक एसिड अपने एक एसिड से हम एच पॉजिटिव आयन ले लें और एक बेस से हम OH नेगेटिव आयन ले लें, जब एक दूसरे इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बेस को एक एसिड के सामने रखा, तो हुआ ये कि बेस का OH नेगेटिव को एसिड का एच पॉजिटिव दिखा और ये दोनों कहते हैं यार हम दोनों इतने क्लोजिव हैं नेचर में, ठीक है हमारे से लोग डरते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ के क्यों ना एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, हम हट ही जाएंगे दोनों हमें क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई। तो हुआ ये कि OH नेगेटिव बेस का और एच पॉजिटिव एसिड का ये दोनों ने मिलकर वाटर बना ली, क्योंकि वाटर में H OH दोनों इकट्ठे ज्वाइन होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है तो इन दोनों ने मिलकर वाटर बना लिया। ठीक है अब बेस कहता है मेरे पास तो OH नेगेटिव में आता मैं काहे का बेस, और एसिड कहता है मेरे पास H पॉजिटिव में आता मैं काहे का एसिड। अब अगर ये दोनों हमें छोड़ ही जा चुके हैं तो क्यों ना हम दोनों को, मैं पॉजिटिव हूं तू नेगेटिव है, हम दोनों की तो जोड़ी बन सकती है, तो यहां पे N पॉजिटिव और C नेगेटिव भी जोड़ी बना के इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रहने लग जाते। अच्छा अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में बहुत मजे से रहते हैं, ये NaCl वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होता है और मजे से रहता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है तो इस तरह से एक एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और हमेशा वाटर निकलेगा क्योंकि एसिड की खासियत है एच पॉजिटिव और बेस की खासियत है OH नेगेटिव, जब दोनों को आमने सामने रखोगे उसका एच पॉजिटिव साथ छोड़ देगा उसका OH नेगेटिव साथ छोड़ देगा और दोनों मिलकर क्या डालेंगे वाटर और दूसरा क्या बनेगा सॉल्ट। और इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो इसके साथ आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समाप्त होती है। इसके बाद हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू बेटा, टिल देन स्टे ट्यून्ड।